नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, फरवरी 2019 का महीना हम सभी निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी चिटफंड कंपनियों के राज और गद्दारों के नाम बाहर आ रहे हैं और सरकार भी चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, ये बात है कि सरकार अपना सत्ता पाने के लिए चिटफंड कंपनियों का मुद्दा उठा रही है। वहीं एक तरफ NDTV के प्रवक्ता रवीश कुमार जी PACL का मुद्दा अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि रवीश कुमार PACL का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि रवीश कुमार जी PACL का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि साथियों वो जानते हैं कि 6,85,00,000 लोग PACL से परेशान हैं, PACL कंपनी से परेशान हैं, PACL के मुद्दे से परेशान हैं। इसलिए PACL के मुद्दे के आड़ में वो सिर्फ वेस्ट बंगाल की सरकार को बचाना चाहते हैं, यानी कि उनका राज न खुल जाए, इसलिए वो PACL का मुद्दा उठा रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने यानी कि CBI ने वेस्ट बंगाल सरकार के कुछ लोगों के ऊपर और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर शारदा चिटफंड घोटाले में संदिग्ध पाए जाने का शंका जताया है। अब उसी मुद्दे को पूरी जनता छोड़ दे और PACL का मुद्दा उठा ले, इसीलिए रवीश कुमार जी PACL का मुद्दा उठा रहे हैं। और आप इनके वीडियो में देख सकते हैं, 2 मिनट की बात होती है PACL की, उसके बाद वो कहां कहां पहुंच जाते हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि PACL की जानकारी तो देना ही नहीं चाहते ये, बस एक मुद्दा उठाते हैं, बस अपने वीडियो में एक बार सिर्फ PACL का नाम लेते हैं। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 फरवरी 2014 को PACL कंपनी को SEBI द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि PACL मैनेजमेंट CIS का लाइसेंस नहीं लेना चाहती थी। और साथियों, अगर PACL मैनेजमेंट CIS का लाइसेंस ले ली होती तो आज हम सभी निवेशक ऐसी जिंदगी जीते जिसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि साथियों SEBI की तरफ से भी हम सभी PACL कार्यकर्ता यानी कि एजेंटों को खुली छूट मिल जाती, लेकिन PACL मैनेजमेंट को कंपनी बंद करना उचित लगा और PACL मैनेजमेंट को हम सभी निवेशकों को जो जो तकलीफ होगी वो समझ में नहीं आया। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी निवेशक अपने सीनियरों और एजेंटों से 11 सवालों के जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कुछ सीनियरों ने इसे उचित नहीं माना है, क्योंकि इन 11 सवालों में कहीं ना कहीं सीनियर भी फंसने वाले हैं। ठीक है साथियों, जिन सीनियरों ने 11 सवालों के जवाब ढूंढने में साथ नहीं दिया है उनके लिए लीगल नोटिस तैयार हो गई है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह लीगल नोटिस डाउनलोड कर लें। और साथियों, आप सभी निवेशकों को मुकेश कपूरिया जी ने बहुत ही जरूरी संदेश दिया है, तो चलिए साथियों जानते हैं कि क्या है वो संदेश। और साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना करिएगा ताकि यह संदेश सभी निवेशकों तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PACL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कपूरिया अहमदाबाद से। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जो 11 सवाल है इनका लीगल नोटिस आया है, जल्दी से जल्दी अपने नेगेटिव सीनियर तक पहुंचाएं, क्योंकि कहीं न कहीं अपना भुगतान इन नेगेटिव सीनियरों के कारण भी अटका हुआ है। अगर अपने हर सीनियर अगर एक्टिव होता तो आज मैनेजमेंट की इतनी तार नहीं अपना वो भुगतान इतना लेट कर देते, लेकिन इन सीनियरों की बेरुखी के कारण आज अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने को अपना वकील भी करना पड़ा है। तो ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो और अपने सीनियरों तक उनको पहुंचाओ लीगल नोटिस को। पहला प्रयास ये करो कि उसके हाथ में पकड़ाए और उसके हाथ से रिसीविंग लिखवा के ले आए। अगर वो फिर भी लेने से इनकार करता है तो उसको रजिस्ट्री द्वारा उसके घर पे भेजो, क्योंकि ये एक उनके जी का जंजाल है, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा या फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गैर जिम्मेदार लोग हैं। जब कंपनी स्टार्ट थी उस टाइम तो ये लोग बड़े बड़े लुभावने वादे करते थे, लेकिन आज ये सब बिल में छुप के बैठ गए। अब समय आ चुका है इनको बिल से बाहर निकालने का।
क्योंकि ये काफी पहुंचे हुए लोग थे या जो लोग टॉप सीनियर थे उनके लिंक में है, कहीं ना कहीं इनको लालच मिला हुआ है या अपनी ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हर जूनियर एजेंट इस तरह से काम करे। और दूसरी बात, जो चंद्रशेखर जी ने बताया है उस हिसाब से अपने को काम करना है, क्योंकि वो रास्ता अपनी मंजिल तरफ जाता है। अपना वकील भी किया है आर आर बाग जी, वकील ने सबसे पहले ये बोला कि हर स्टेट्स के हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी कस्टमर हैं उनकी उनके डेटा कलेक्ट किया जाए। तो साथियों, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। बहुत से लोग बीच में रोड़ा अटका रहे हैं कि नहीं नहीं ये इससे कुछ नहीं होगा, ये खाली पैसे खाने चक्कर में है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है। जो पैसा खाते थे वो लोग अलग थे, वो आज भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और काफी मोटी मात्रा में लोगों से चंदा लेते हैं, लेकिन हाथ क्या लगता है, सिर्फ एक मायूसी। फिर दोबारा प्रोपेगंडा चलाया जाता है कि फलानी तारीख को जंतर मंतर पे है, वो तारीख को रामलीला मैदान में है, वहां धरना प्रदर्शन है, वहां रैली है। तो बेचारा एक कमजोर एजेंट नीचे रैंक वाला वो ये उम्मीद के साथ में जाता है कि चलो अपने पीछे जो हो गया सो हो गया, अपने अपार ये धरने में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन बेचारा जब वो वहां जाके देखता है तो वहां कुछ लोग खाली स्टेज शेयर करने को मिलता है, कुछ लोगों को भी बोलने का मौका मिलता है और उनकी बोलने की जो स्क्रिप्ट है, जो कहानी है, वो पहले से नक्की फाइनल होती है कि अपने खाली यही बोलना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रोपेगेंडा है, बहुत से लोगों में मिलीजुली है बात है और उसके तहत ये सबको घुमा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनका पर्दाफाश हो, लोगों तक सच्चाई पहुंचे, बस यही हमारी नीयत है। और जल्दी से जल्दी कम खर्चे में भुगतान मिल जाए लोगों का, यही हमारी नीयत ही है। बाकी मामले को लंबा लटकाना हमारी नीयत नहीं है, हमारा किसी का एक रुपया खाने का हमारी नीयत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने आपको गुमराह किया इतने सालों तक, लगभग 4 साल तक, उनको ये नोटिस जरूर भेजें आप। ठीक है, आप हमको 4 साल तक जैसा आपने हमको बोला उस तरह से हमने काम किया, लेकिन अब हम कहते हैं कि ये काम अब आप करो, हमको ये 11 सवालों का जवाब लाके दो, इसके अंदर भुगतान है। तो साथियों, ये दो काम आप जरूर करना। एक तो हर कस्टमर के हर डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करो, जल्दी हर जिले में कैंप लगेगा। मैं ये ऑडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के जो जूनियर एजेंट हैं, जो भुगतान लेना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये दो काम भैया आप जरूर करो, थोड़ी सी समझने की कोशिश करो कि सच क्या है झूठ क्या है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर सही है वो काम करो, जो सही है वो काम करो। पर हमें बहुत से लोगों को हमको ये काम सही लगा, क्योंकि इसमें इस तरह से अपने काम करेंगे तो जल्दी भुगतान हो जाएगा। बाकी साथियों, ये सच्चाई है कि अपने को वो लोग लटका रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछो कि आपने जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी है उसको अटैच करवाने में आपकी क्या भूमिका है, आपने क्या किया। जो गुनेगार है उन पे कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए आपने क्या किया, तो वही साफ हो जाएगा। खुद अपने विवेक से काम लो और जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे आप भी करो,
तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में सबका भुगतान हो जाएगा। साथियों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये दो काम जरूर कर लो आप, इसी उम्मीद के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।